संदीप शर्मा किंग के बेसिक क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉडी, जो आपको दिला सकते हैं किसी भी एग्जाम में सक्सेस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। अब लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी और चॉइस हमारे पास है ये, पहला है LiCl, दूसरा है MgCl2 और थर्ड चॉइस है हमारे पास NaCl और फोर्थ चॉइस है हमारे पास CgM क्लोराइड। तो हमें लैटेस्ट एनर्जी देखनी है और लैटेस्ट एनर्जी देखने का आसान तरीका यह है कि लैटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबसे पहले चार्ज से देखो। जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, उसकी लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो। अब अगर आपको ये लाइन आती है तो आप झट से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो किसकी लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो MgCl2 में Mg के ऊपर +2 चार्ज है जो सबसे ज्यादा है, तो MgCl2 की लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो। अब देखना अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। NaF दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है, 11 और 9 20 और 12 और 8 20, क्लियर। अब इनमें से किसकी लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो। किसकी लैटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो, इसका साइज कम होगा। तो साइज से नहीं, पहले चार्ज से देखते हैं फिर साइज से देख, ठीक है ना। पहले हमेशा तो साइज भी लिख दिया है, मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -, ये +1 ये -। तो पहले लैटेस्ट एनर्जी को हमेशा चार्ज से देखो। तो MgO का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री के आसपास होता है, जबकि NaF का मेल्टिंग पॉइंट 1000 के आसपास होता है। तो लेटेस्ट एनर्जी के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्ज। अब अगर चार्ज बराबर है तब हम साइज देखेंगे। जैसे वो यहां पर लिख ले MgS, अब किसकी ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी, MgO की होगी। अभी भी MgO की होगी क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सल्फर के साइज से छोटा है। हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सा करेक्ट है, विच इज करेक्ट, ठीक है ना। या फिर हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का विच इज करेक्ट हटाकर क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर मतलब बंद ऊर्जा का क्रम क्या होगा। हम इसको वापस लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर या हिंदी में बंद ऊर्जा का क्रम क्या हो। हमारी पहली चॉइस है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I। दूसरी चॉइस हमारी है Cl2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। तीसरा क्वेश्चन Cl2 ग्रेटर देन F2, ठीक है ना, और ग्रेटर देन I2 और फिर हमारी Br2 और फोर्थ चॉइस हमारी है Cl2 ग्रेटर देन Br2 Br2 ग्रेटर देन F2 एंड। अब इनमें से कौन सा चॉइस सही है। सेकंड ऑप्शन। तो देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हैलोजन की क्रियाशीलता और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है। तो ये तो है रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर।
जो दूसरा है वो ई गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, ई गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, और तीसरा किसी का भी ऑर्डर नहीं है, और जो चौथा है वो हैलोजन की बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है, क्योंकि इसके बहुत छोटे साइज की वजह से, इसके बहुत छोटे साइज की वजह से फ्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन की वजह से क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी इन दो से कम हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको कराए, किसी साल यही ऑर्डर रहता है, यही चॉइस आती है, किसी साल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लेता है, किसी साल ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछता है, और किसी साल रिएक्टिविटी का नेचर पूछता है, और हम हर साल ही याद करते रहते। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि ज़ीनॉन F4 की ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होगी? तो हमने क्या किया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली। दो तरीके हैं, फिर से बता देता हूं। ज़ीनॉन से ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है और फ्लोरीन के 4 है, दो से डिवाइड कर दिया, 6 आ गए। इस 6 का मतलब होता है 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, तो 6 ऑर्बिटल देखो sp3 d2 में हो। अब 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 में से 4 को माइनस किया तो कितने लोन पेयर बचे, 2, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूं, देख लो, 4 फ्लोरीन अटैच है जो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें से फ्लोरीन के चार्ज को माइनस कर दिया, हमेशा माइनस होगा चाहे प्लस हो और चाहे नेगेटिव हो, 2 से डिवाइड कर दिया, ये सम आ गया 4 + 2 = 6, तो 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा। ऐसी कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती है, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। पहला है हमारा H3O+, दूसरा है H4O+2, थर्ड है Cl F7, और नंबर चार है हमारा SF6। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर देता, तो बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कैसे देखा जाएगा। H4O2, तो हम कैसे, ठीक है ना, हम देखते हैं। इसको करने के लिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसमें 3 ही बना रखे हैं, एक और बना सकता है,
इसमें ऑक्सीजन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं, ओके। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? सिक्स, पर इसने सेवन बना रखे हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सल्फर थर्ड पीरियड का है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? सिक्स। मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है सिक्स, तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? Cl F7। Cl F7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और अब हम छोटी वीडियो बनाएंगे, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अब पांच या छह क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम एक मिनट में देखते हैं। तो कौन सा आपके एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल अभी अभी क्वेश्चन आया था और दिमाग से निकल गया। तो क्या क्वेश्चन था, एक सेकंड। हाँ, मिल गया। किसके हाइब्रिडाइजेशन, किसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है? चॉइस है हमारे पास BeCl2, AlCl3, AlCl3 aqueous, AlCl3 aqueous और CCl4। तो यहां जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो कंसेप्ट पकड़ने के लिए है। तो भैया 2x और 1x, 2x में मत देखना, आराम से प्रेम से देखना। इसमें से किसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है? देखो बताओ, तो देखते हैं। BCl2 हमेशा पॉलीमर बताते हैं, ये हमेशा पॉलीमर फॉर्म में रहता है और पॉलीमर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। AlCl3 हमेशा डाइमर फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। AlCl3 एक्वस इस फॉर्म में रहता है और इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। और इसकी तो sp3 होगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आंसर। क्लियर? हम हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? और चॉइस हमारे पास ये है, CO, CO2, CO3 माइनस। कहो तो चॉइस भी लिख देता हूं। तो फर्स्ट चॉइस हमारी ये दी हुई है, कार्बोनेट CO2 CO। सेकेंड चॉइस CO2 कार्बोनेट आयन CO। थर्ड चॉइस CO कार्बोनेट आयन और कौन सा बच गया? CO2। और फोर्थ चॉइस CO CO2 CO3 माइनस CO2 और CO3।
तो कौन सा आंसर इसमें काम आएगा? देखो और बताओ भैया, तो अब हमें ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर की नॉलेज होना जरूरी है। तो देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब CO2 और कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो सबसे अच्छा बच्चा तो वो है जिसको ये याद हो ऐसे कर, उससे बढ़िया कोई नहीं। कि कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है और CO2 का 2 है और इसका 3 है, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ CO की होगी, उससे कम थोड़ी ज्यादा CO2 की, तो कौन सा आंसर हुआ? ये बात फोर्थ। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो तरीके हैं, एक ढक्कन तरीका और एक पढ़ा लिखा तरीका। पढ़े लिखे तरीके में हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गए, 1, 2, 3, 4। दूसरा ढक्कन तरीका ये है कि हमने देखा 2 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 0, तो 1 पे कितना होगा, 0/2 = 0। हमेशा 2 में से माइनस कर दो, 2 आ। कभी कभी अगर इन दोनों में ही प्रॉब्लम आ जाए, दोनों के आंसर अलग अलग आए, तो हम फिर किसको कंसिडर करेंगे? हम इस ढक्कन मेथड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना, और इस ऑथेंटिक मेथड को भूल जाए, ठीक है। मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको करके बता दूंगा। तो देखो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाल दिया है और अब मैं कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर यह होती, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड है 3 एटम के बीच में, तो 1.33। अब इस वाले मेथड से 3 ऑक्सीजन पर 2 चार्ज, एक पर होगा 2/3, डिवाइड कर दिया 0.66। हमेशा 2 में से माइनस करें तो देखो कितना आ गया, अप्रोक्स 1.3, ठीक है। तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। अब हम नाइट्रेट का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि हमने आपको कहा कि अगर फेल हो जाए तो जो ढक्कन मेथड है वो सही है, तो देखना ढक्कन मेथड का यू। ये नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर, तो 1, 2, 3, 4 चार बॉन्ड बना रखे हैं 3 एटम के बीच में, डिवाइड कर दिया 1.3। अब इससे निकालते हैं, 3 ऑक्सीजन पर 1 चार्ज है, तो 1 पर कितना होगा, 1/3, तो ये करीब 0.33 हो गया। 2 में से माइनस किया तो देखो दोनों रिजल्ट अलग अलग आ रहे, तो अब बताओ किस रिजल्ट को आप सही मानो? 1.67। तो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा रेजोनेंस की वजह से होता है, इसमें रेजोनेंस एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होती है थियोरेटिकल से, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल 1.67 आता है। तो हमने आज के क्लास में 5 क्वेश्चन पढ़े हैं और रोज हम एक छोटी वीडियो आपको मिलेगी 5 क्वेश्चन।